हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त शुक्रिया और स्वागत करता हूँ आपको मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट बीट पे। कुछ दिन पहले मैं एक स्टिल लाइफ ड्रॉ करके पोस्ट किया था जिसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो सोचा क्यों ना और एक स्टिल लाइफ किया जाए ताकि आपको ये अच्छा लगे। तो मैं इसका डिसीशन इसलिए लिया, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ पहला वीडियो देख लो। और अगर आप चाहो तो आई बटन में भी मैं लिंक दे दिया है, अब वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाँ, वीडियो को पूरा देखना। पहले मैं कर लूँगा बैकग्राउंड का कलर। मैं बैकग्राउंड को पूरा काला करूँगा ताकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो सामने हाईलाइट हो सके। तो चलो मैं मैट ब्लैक फिनिश इसमें दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं जिस जगह पे मेरा सब्जेक्ट है उस जगह को छोड़ के सब जगह कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ बैक ब्लैक का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ और कोई कलर मैंने यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा ग्रे का शेडिंग भी कर सकते हो ऐसे, पर अगर ना भी करो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी जब आप आगे जाओगे तब आपको शेडिंग करने के लिए वाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप इसे अभी कर देते हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा बाद में, वो पूरा आपके मर्ज़ी के ऊपर निर्भर है। आप चाहे तो कर सकते हो, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दे दिया ब्लैक और वाइट का शेडिंग। आप देख सकते हो मैं आप दे रहा हूँ लेमन योलो, वो इजीली अवेलेबल है वाटर कलर शेड्स में, तो मैं उसको दे दूँगा। फिर मैं कर लूँगा इसका हाइलाइटेड शेडिंग जो कि होगा वाइट से। जब भी हम छोटे उम्र में स्कूल जाते थे ड्राइंग सीखने के लिए, तभी हमें ये बेसिक लेमन एप्पल ये सब सिखाया जाता था, और मैं उस चीज़ को ही आपके सामने हाईलाइट करके ला रहा हूँ जो कि होगा थोड़ा डिटेल में और बहुत अच्छा लगेगा। मैं दरअसल आपको शो करना चाह रहा हूँ कि कुछ सिंपल चीज़ को ही हम बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो मेरा ये शेडिंग हो गया डार्क एंड लाइट से। मैं थोड़ा सा नीच पे भी शेडिंग कर दूंगा। अब कर लूँगा इस लेमन का शेडिंग, सेम प्रोसेस फॉलो करके मैं करूँगा। थोड़ा सा जो शेडिंग और लाइट वाला पोर्शन है तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। अब देख सकते हो शेडिंग मैंने दो बहुत साइड्स में किया है पर बीच में नहीं किया, ताकि जो बीच वाला पार्ट है वो हाईलाइट हो जाए। अब मैं कर लूँगा इसका छिलका का शेडिंग। पहले मैं दे दिया ब्लैक, फिर मैं धीरे धीरे डार्क वर्शन योलो का लेके उसको मिला दूंगा। अब देख सकते हो धीरे धीरे डार्क से लाइट हो गया। अब मैं कर लूँगा इसका थोड़ा सा और शेडिंग डिटेल में। चलो ये पार्ट भी हो गया। अब मैं कर लूँगा ऊपर वाला पार्ट का जो हिस्सा है उसको। अब मैं इस पर थोड़ा सा पोर्ट्स ड्रॉ करूँगा जो कि होगा वाइट कलर से। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि लेमन का छिलका पूरा पोर्ट्स डिज़ाइन का होता है, तो वो ही ओरिजिनल लुक देने के लिए मैं इसको करूँगा। आप देख सकते हो ये धीरे धीरे हाईलाइट हो रहा है। और अब मैं कर लूँगा दूसरे लेमन का शेडिंग। पहले मैं इस छिलका का शेडिंग कर लूँगा जो कि होगा ब्लैक एंड ऑकर योलो से। तो चलो इसको कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि धीरे धीरे मैं डार्क में आ रहा हूँ, पहले ही एकदम डार्क दे दिया ये बात नहीं है। चलो ये छिलका का शेडिंग हो गया। अब मैं कर लूँगा ऊपर वाला शेडिंग, मैं वो वाइट ऑकर योलो का इस्तेमाल करके करूँगा। आप यहाँ पे लेमन योलो नहीं यूज़ कीजिएगा ताकि ये ना लगे कि आपने एक ही कलर से शेडिंग किया है, आप वेरियस कलर का यूज़ करेंगे जो कि थोड़ा सा रियल लुक देता है। तो चलो मैं कर दूंगा यहाँ पे योलो का शेडिंग। आप देख सकते हो योलो देने के बाद ही ये हाईलाइट हो गया कितना अच्छे से।
और मैं कर लूँगा पूरा ऐसा गोल जो पार्ट है उसको। आपको ये लेमन अगर 1% रियल लगे तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना है ये, और आप भी ऐसे कुछ ड्रॉ किए हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट पे बताना। तो कैसा लगा आपको ये पेंटिंग मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और ऑल वाला बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक पिछला जो स्टील लाइफ पेंटिंग है वो नहीं देखा है तो जाओ जल्दी देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।